नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार, आइए खबरों को देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दौरे पर राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का किया उद्घाटन। विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित गण शामिल हुए। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय के इस नए परिसर में हमें उसी प्राचीन व्यवस्था को फिर से आधुनिक रूप में मजबूती देनी है और मुझे ये देखकर खुशी है कि दुनिया के कई देशों से आज यहां कई विद्यार्थी आने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता लोगों को बधाई देते हुए कहा कि बिहार अपने गौरव को वापस लाने के लिए जिस तरह से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, नालंदा का ये परिसर उसी की एक प्रेरणा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दौरे में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया। लगभग 1600 वर्ष पूर्व स्थापित किए गए मूल नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। वर्ष 2016 में नालंदा के भग्नावशेष को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। पूर्व कांग्रेस नेता किरण चौधरी, अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा नेता तरुण चुग की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विश्वास दिलाता हूं कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के साथ मिलकर भाजपा एक परिवार की तरह हरियाणा को मजबूत करने का काम करेगी। दिल्ली में जल संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। दिल्ली सरकार समस्या का निराकरण करने के बजाय आरोप मढ़ने में है व्यस्त। दिल्ली में गहराते जल संकट को लेकर भाजपा लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में दिल्ली की चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। प्रवीण खंडेलवाल ने मोतीबाग के किशनगंज में विरोध में रैली निकाली। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर काम करने की जगह आरोप प्रत्यारोप में लिप्त रहने का लगाया आरोप। भाजपा सांसद वासवी स्वराज ने कहा कि आपके विधायक ने कई बड़े बड़े वादे किए थे जो झूठे थे। बीजेपी सांसद ने आप पार्टी से प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जमीन पर काम करने के लिए कहा। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की सरकार के भ्रष्ट प्रशासन के कारण दिल्ली जल बोर्ड को एक सफेद हाथी बनाकर रख दिया गया है। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत का आज आखिरी दिन है, जिसे लेकर राउत अवेरी कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी थी। उन्हें आज अवकाशकालीन जज के सामने पेश किया जाएगा। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने नीट मामले में साझा किए वीडियो की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पूनावाला ने कहा कि प्रियंका और राहुल गांधी झूठे तथ्य की वकालत कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने दलाई लामा से मुलाकात की और सार्वजनिक अभिनंदन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्दी ही एक विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसका उद्देश्य तिब्बत विवाद को सुलझाने के लिए चीन पर दबाव डालना है। देश में आज से लागू हो गया नया डाक कानून। भारत सरकार ने नए डाक कानून डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए अधिसूचना जारी की। इस अधिनियम ने भारतीय डाक अधिनियम 1898 का स्थान लिया है।
अधिनियम का उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करने के साथ ही जीवन यापन को आसान बनाना है। अधिनियम में यह भी कहा गया है कि डाक सेवा महानिदेशक को भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। उनके पास सेवाओं के शुल्क और डाक टिकटों की आपूर्ति सहित विभिन्न मामलों पर नियम बनाने की शक्तियां होंगी। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान वो डिंडोरी में विश्व सिकल सेल दिवस समारोह में एक मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं हिमाचल प्रदेश में पानी की कमी को लेकर 30 जून तक सभी तरह के भवन निर्माण पर रोक लगा दी गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि लोगों के लिए पानी की बहाली की जा रही है। अमेरिकी विदेश विभाग के उप विदेश सचिव कट एम कैम्पेल ने नई दिल्ली में भारतीय विदेश सचिव विनय क्वात्रा और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्त्री से मुलाकात की। इस मुलाकात में अमेरिका भारत साझेदारी को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता पर चर्चा हुई। साथ ही साथ कैम्पेल ने लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की जीत के लिए बधाई दी। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा है कि योग रोजाना करना चाहिए। इस बात को विश्व स्तर पर लोग जान चुके हैं। साध्वी भगवती सरस्वती ने कहा कि परमार्थ निकेतन में 21 जून को वृहद स्तर पर योग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन ही योग किया जाता है। उन्होंने कहा कि योग है तो हम हैं, नहीं तो कुछ नहीं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि सिकल सेल रोग ज्यादातर 0 से 40 वर्ष के आयु वाले जनजातीय बहुल इलाकों में रहने वाले लोगों में फैला हुआ है। जुएल ओराम ने कहा कि इस बीमारी को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार लगातार कार्यक्रम चला रही है और इसे जड़ से खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है। उत्तरी सिक्किम में पिछले सप्ताह में से फंसे 1200 से अधिक पर्यटकों को निकालने का काम जारी है। नागरिक प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों में तीव्रता लाने के लिए त्रिशक्ति कोर के जवान भी बड़े पैमाने पर मदद कर रहे हैं। बड़ी संख्या में भूस्खलन के कारण पर्यटकों को पैदल और वाहनों के जरिए सुचारू संपर्क वाली जगहों पर ले जाया जा रहा है। मुंबई के बीएमसी मुख्यालय को एक धमकी भरा ईमेल मिला है। पुलिस ने बीएमसी मुख्यालय की जांच की लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित बर्गर किंग में गोलीबारी की घटना सामने आई है। इसमें एक युवक की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दिया। अकबरनगर में ध्वस्तीकरण अभियान का काम पूरा हो चुका है। कुकरैल नदी की जमीन पर अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण अभियान शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल गोलियों की आवाज सुनी गई जिसके बाद से ही सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। पश्चिम बंगाल में अलीपुरद्वार जिले के जलदापारा नेशनल पार्क क्षेत्र में कल रात भीषण आग लग गई। 5 घंटे में आग पर काबू पाया गया। पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के थपेड़े जानलेवा हो गए हैं। इस बीच पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली उत्तर प्रदेश के कई एक हिस्सों अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने आज उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हीट वेव से लेकर गंभीर हीट वेव चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड में भी हीट वेव चलने की संभावना जताई गई है। उधर मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश और अत्यंत भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के
साथ अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तमिलनाडु के चेन्नई शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के करहिया क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। असम में 15 जिलों के 470 गांव बाढ़ से जूझ रहे हैं, जिससे लगभग 1,60,000 लोग प्रभावित हुए। असम में बाढ़ के बाद करीमगंज के बदरपुर इलाके में भूस्खलन के कारण 5 लोगों की मौत हो गई है। कानपुर में कोपिली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बारिश के कारण कई अन्य नदियों का स्तर बढ़ रहा है। उत्तराखंड में ऋषिकेश के एक जंगल में आग लग गई, जो कि पास में स्थित एक फैक्ट्री गोदाम तक फैल गई। वहीं जम्मू कश्मीर के रामनगर वन प्रभाग के चलारा वन क्षेत्र में भी भीषण आग लग गई। बीएसएफ के जवानों ने अमृतसर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में देर रात एक तलाशी अभियान चलाया, हेरोइन का एक पैकेट बरामद। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के तहत दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में भी एक शानदार आयोजन किया गया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूले। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन आज सेंसेक्स और निफ्टी अपने नए उच्च स्तर पर पहुंचे। 13 प्रमुख क्षेत्रों में से 12 में तेजी दर्ज की गई। निफ्टी 50 के 50 कंपनियों में से 46 में बढ़त दिखी। ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ग्रुप PLC भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम टावर प्रोवाइडर कंपनी यानी कि इंडस टावर्स में अपनी 10% की हिस्सेदारी बेचेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही की GDP वृद्धि दर उसके 7.3% के अनुमान के अनुसार होगी। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने उपभोक्ता खर्च में सुधार और निवेश में वृद्धि का हवाला देते हुए अनुमान में संशोधन किया। आयकर विभाग ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में अब तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 21% बढ़कर 4.62 लाख करोड़ रुपए हो गया। एयरबस हेलीकॉप्टर्स भारत में हेलीकॉप्टर उत्पादन की अंतिम असेंबली लाइन लगाने के लिए टाटा समूह के लिए जगह तलाश रही है। कोल इंडिया लिमिटेड अमेरिका की एक कंपनी के साथ अर्जेंटीना में लिथियम के भंडारों की खोज कर रही है। सेबी ने ओपी जिंदल समूह की कंपनी हैक्सा क्रेडेक्स लिमिटेड, इसके प्रवर्तकों एवं निदेशकों पर 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोका कोला इंडिया अपनी पूरी तरह से स्वामित्व वाली बॉटलिंग कंपनी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस के एक हिस्से को बेचने की योजना बना रही है। गूगल ने भारत में अपना जेमिनी ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप 9 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी को सपोर्ट करता है।
गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि ये लोगों को उनकी पसंदीदा भाषा में जानकारी हासिल करने का काम पूरा करने में मदद करेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 24 साल बाद उत्तर कोरिया की यात्रा पर पहुंचे। पुतिन का प्योंगयांग के हवाई अड्डे पर उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने स्वागत किया। उत्तर कोरिया ने यूक्रेन में उनकी सैन्य कार्रवाइयों के लिए पुतिन ने देश के दृढ़ समर्थन की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा और कोरिया की यात्रा पर पेंटागन ने चिंता जताई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उत्तर कोरिया यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने में मदद के लिए रूस को गोला बारूद और हथियार मुहैया करा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुनावी वर्ष में एक बड़ा कदम उठा रहे हैं, जिससे अमेरिका में बिना किसी वैध स्थिति के रह रहे लाखों अप्रवासियों को राहत मिलने के साथ अमेरिकी नागरिकता मिलने का रास्ता भी साफ हो सकता है। व्हाइट हाउस में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जो बाइडेन ने अमेरिकी मैक्सिको सीमा पर प्रवासी परिवारों को अलग करने और अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों के बारे में भड़काऊ भाषा का प्रयोग करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की। अमेरिका के इस कदम से 5 लाख से अधिक अप्रवासी लाभान्वित हो सकते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक अप्रवासी सोमवार को पूरी हुई अवधि तक कम से कम 10 वर्षों से अमेरिका में रह रहा हो तथा उसका किसी अमेरिकी नागरिक से विवाह होना चाहिए। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने विस्कोसिन में रैली की, जिसमें उन्होंने अपने आप को अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार के रूप में पेश करने की कोशिश की। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जब वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे तो बाइडेन की एमनेस्टी योजना को रद्द कर देंगे। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट नाटो के अगले महासचिव हो सकते हैं। हंगरी और स्लोवाकिया का समर्थन मिलने के बाद मार्क रट के नाटो प्रमुख बनने की संभावना बढ़ गई है। नाटो के अगले महासचिव के सामने रूस के आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई में सहयोगी देशों का समर्थन बनाए रखने की चुनौती होगी। अमेरिका में भीषण गर्मी का कहर जारी है। फिनिक्स में पारा 45 डिग्री पहुंच गया। वहीं गर्मी के मौसम के शुरुआती हफ्ते में ही शिकागो समेत कई शहरों में गर्मी के रिकॉर्ड बन रहे हैं। अमेरिका के मध्य पश्चिम के राज्यों में कल से भीषण गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, जिससे राष्ट्रीय मौसम सेवा ने खतरनाक और लंबी अवधि की गर्मी की लहर कहा है। इसके कम से कम शुक्रवार तक आयोवा से मैन तक पहुंचने की आशंका है। शिकागो ने सोमवार को 36.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ 1957 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अमेरिका के राष्ट्रीय मौसम सेवा ने एक्स पर किए पोस्ट में कहा कि शिकागो में गर्म और उमस भरे मौसम के जारी रहने का अनुमान है। ये इस सप्ताह में 37.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अमेरिका ने पिछले वर्ष भी 1936 के बाद रिकॉर्ड 2 दिन तक का असामान्य गर्म मौसम का सामना किया था। फिनिक्स में स्थिति सबसे खतरनाक रही थी, जहाँ गर्मी से संबंधित कारणों से 645 लोगों की मौत हो गई थी, जो कि एक रिकॉर्ड था। अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव होने हैं। देश के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के सामने अभी कम वक्त में अधिक मतदाताओं का मूड और माहौल बदलने की सबसे बड़ी चुनौती है। हाल के सर्वेक्षणों में विपक्षी लेबर पार्टी ने सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी की अपेक्षा दोहरे अंकों से बढ़त हासिल की। इस बीच सुनक ने कल कंजर्वेटिव पार्टी के समर्थन में पत्रों और वीडियो के साथ पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के समर्थन का स्वागत किया है। वहीं लेबर नेता कीर स्टॉर्मर ने आर्जन के मुद्दे पर कहा है कि वो उन गिरोहों को ध्वस्त करेंगे जो कमजोर लोगों को नाव से चैनल पार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वहीं सुनक ने अवैध शरणार्थियों को रवांडा भेजकर आर्जन से निपटने की अपनी योजना को मजबूत किया। फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल ने
पेरिस में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के सामने दो विकल्प हैं, या तो उनकी पार्टी जो कि देश के मूल्यों की रक्षा करेगी, या फिर चरमपंथी दलों का गुट जिसमें अति दक्षिणपंथी नेशनल रैली और न्यू पॉपुलर फ्रंट जैसे दल शामिल हैं। हटाल ने प्रचार के दौरान समर्थकों के साथ सेल्फी ली और आने जाने वाले लोगों के साथ गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में आज से सुपर 8 के मुकाबले शुरू हो रहे हैं। पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका और पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही अमेरिका के बीच। सुपर 8 में अपने अभियान का आगाज भारत कल अफगानिस्तान के खिलाफ करेगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में शीर्ष पर थी। सुपर 8 के मुकाबले के लिए तैयार कैनिंगस्टन ओवल का मैदान। कैनिंगस्टन ओवल में भारत और अफगानिस्तान के बीच 20 जून को मुकाबला होगा। भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। पाओ नूरबी गेम 2024 में स्वर्ण पदक किया आपने नाम। मीटर दूर भाला फेंककर नीरज ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पिछले साल चोट के चलते नहीं लिया था हिस्सा। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज का दूसरा मुकाबला आज बेंगलुरु में आयोजित होगा। भारतीय टीम ने अपना पहला मैच 147 रन से अपने नाम कर लिया था। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता बल्लेबाज शिवपाली वर्मा और कप्तान हरमनप्रीत कौर की वनडे में लगातार खराब फॉर्म है। इंग्लैंड दौरे पर 7 मैचों की T20 सीरीज खेलने गई भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम को पहले मैच में हार का मुंह देखना पड़ा। यूरो कप 2024 में तुर्की ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। टीम ने अपने पहले मैच में जॉर्जिया को 3-1 से हरा दिया। एक अन्य मुकाबले में पुर्तगाल की टीम ने भी जीत के साथ अपने अभियान का किया आगाज। पुर्तगाल ने चेक गणराज्य की टीम को 2-1 से हराया। आज यूरो कप में क्रोएशिया का सामना अल्बानिया से होगा। क्रोएशिया को पहले मुकाबले में स्पेन से मिली थी 3-0 की हार। वहीं एक अन्य मुकाबले में मेजबान जर्मनी का सामना हंगरी से होगा। जर्मनी ने पहले मैच में स्कॉटलैंड को हराया था। सलमान खान और रश्मिका मंदाना की फिल्म सिकंदर की शूटिंग आज से शुरू हो गई। ये फिल्म अगले साल ईद के दिन रिलीज होगी। बॉलीवुड की फेमस फिल्म लक्ष्य ने अपने 20 साल पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर फिल्म को फिर से सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन हर किसी को पसंद आ रही है। फिल्म को मिल रही अपार सफलता और प्यार से खुश होकर कार्तिक ने अपने प्रशंसकों का धन्यवाद किया। साथ साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नोट के साथ प्रशंसकों का धन्यवाद किया। कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस OTT के तीसरे सीजन का जब से ऐलान हुआ है तब से फैंस ने इसे लेकर मिक्स ओपिनियन दिया है। कोई नए होस्ट अनिल कपूर की मेजबानी में ये शो देखने के लिए उत्साहित है तो किसी को सलमान खान ही पसंद है। अंशुमान मल्होत्रा और रीम शेख स्टार अपकमिंग रोमांस ड्रामा वर्ल्ड फेकेस्ट ग्रेटेस्ट लव स्टोरी की चर्चा सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है। शो से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। मेकर्स ने शूटिंग शुरू होने की घोषणा की है। ब्रैड पिट की आगामी फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। फॉर्मूला 1 पर आधारित ये फिल्म
अगले साल बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। इस फिल्म के निर्देशन की कमान टॉप गन मैवरिक बना चुके जोसेफ कोसिंस्की के हाथों में। भारत के अलावा ग्लोबली मुंजिया ने कलेक्शन के मामले में गर्दा उड़ा दिया है और अपने शानदार प्रदर्शन से हर किसी को हैरान कर दिया है। आइए जानते हैं मुंजिया ने वर्ल्ड वाइड अब तक कितने करोड़ का कारोबार किया है। अक्षय कुमार की फिल्मों की लिस्ट अभी तक खत्म नहीं हुई है। उनकी आगामी फिल्में बड़े पर्दे पर फिर से धमाल बचाने के लिए तैयार हैं। उनकी फिल्म सिर्फ हिरा का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।